हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्रेडर्स बाजार। तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए निफ्टी के कल के दिन के एनालिसिस के साथ कि कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अलावा माजोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या सिनेरियो बना है। आप देख सकते हो निफ्टी में ये वीक की कैंडल इतने दिन ग्रीन थी पूरी, मतलब कि अगर आप मंडे टू थर्सडे तक देखो तो ये ग्रीन कैंडल थी, लेकिन कल से 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट में सेलिंग इतनी आई है कि बाजार पूरा का पूरा रेड हो चुका है निफ्टी बैंक में। और यही चीज़ अगर अपन निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में आप देखो निफ्टी में लास्ट वीक का जो हाई था वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। तो हम बेसिकली निफ्टी ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा वीक का हाई हो जाएगा जो भी बहुत दूर है, तो मार्केट को इसको ब्रेक करना अभी टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने में। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो ये आप देख सकते हो इसके नीचे मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। कितने वीक हो गए, 1 2 3 4 5 6 वीक हो गए इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया। और ये हमारा एक और सपोर्ट हो जाएगा जो लास्ट वीक की, सॉरी ये इस वीक की जो क्लोजिंग है वो, और यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो हमारे पास वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब डेली बेसिस पे देखते हैं क्या सिनेरियो है। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो यहाँ से मार्केट में स्विंग्स बने हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। आज के दिन इसने हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो आगे और देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को। अब चलते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। 60 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखो तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सफिशिएंट लग रहे हैं। अभी अगर मार्केट में अपन देखें तो ये गैप पेंडिंग है, तो ये गैप हमारे लिए एज अ डिमांड जोन वर्क कर सकता है। तो मार्केट जब भी इस 18,000 की रेंज के पास आएगा तब अपन बाइंग का प्लान करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अभी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है या फिर यहीं कंसोलिडेट होकर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम और आगे बड़ी सेलिंग का प्लान कम करेंगे। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या क्या सिनेरियो हमारे पास है। रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखें तो अभी हमारे पास ये मिल रहा है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ गया। अगर आप देखो तो सिंपली हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। तो 18,400 का रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक अपन बड़ी बाइंग के लिए वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी आप देखो एक तरह से डाउन ट्रेंड का सिनेरियो, ये मार्केट ने लो बनाया उसके बाद इस लो को ब्रेक किया और आप देखो यहाँ पे हायर लो भी बना लिया, सॉरी लोअर हाई भी बना दिया मार्केट ने इस पॉइंट में अगर अपन देख सकते हैं तो। तो अब 15 मिनट में चलते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। 1st चीज हम लॉन्ग बाइंग कहां से देखेंगे, अपन लॉन्ग बाइंग इस एरिया ऑफ सपोर्ट से देखेंगे। यहां अगर अपन को कोई प्राइस एक्शन दिखता है तब अपन बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट ये वाला रहेगा, यानी कि अभी इससे ऊपर टारगेट नहीं देखने, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड में, तो बाइंग के केस में हमको यहाँ से नहीं देखने है टारगेट, मतलब इससे ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं देखने हैं। लेकिन सेलिंग सिनेरियो में देखिए तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद और नीचे आए, या फिर अगर इस रेंज के अंदर भी आ जाता है यहाँ कहीं से भी मिल सकता है, क्योंकि अभी ये पूरा सेलर एरिया है। तो इस रेंज के अंदर मार्केट अपन को कहीं पे भी दिखता है तो, और प्राइस एक्शन दिखते हैं सेलिंग के, तो हम सेलिंग के बड़े टारगेट्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ तक का यहाँ तक का। अब अपन यहाँ पे भी आते ही डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा उसके बाद ही बाइंग करेंगे। तो बात कर लेते हैं गैप अप फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग की। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो उस केस में वेट करेंगे। इस एरिया के अगेंस्ट अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है अपन को, सेलिंग प्राइस एक्शन, कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग आ सकती है, तो इस एरिया से अपन सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली नीचे जाता है इस रेंज को ब्रेक करके, तो अपन टारगेट ले सकते हैं, 1st टारगेट ये वाला और 2nd टारगेट ये वाला, और SL अपन को रखना है इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के
अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो उस केस में अपना यहाँ पे एसएल होगा, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा और सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन के बाद कॉन्स्टेंटली रेड कैंडल दिखती है तो वेट करना है वापस रिट्रेसमेंट का। जैसे आज के दिन ये रिट्रेसमेंट आया, यहाँ से अपन को सेलिंग देखने को मिली तो रिट्रेसमेंट का वेट करना। डे हाई से अगर कुछ प्राइस एक्शन बन के मार्केट नीचे की तरफ जाता है तब अपन यहाँ से सेलिंग ट्रेड लेंगे, वरना पॉसिबली हमें सेलिंग ट्रेड इस रेजिस्टेंस के पास मिलेगी। ये रेजिस्टेंस और बना देते हैं अपन को, इस रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर गैप अप ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल बनाता है और इस एरिया के पास कोई प्राइस एक्शन बनाता है कि मार्केट हाँ यहाँ से फॉल कर सकता है, इस एरिया के पास अगर अपन को कोई प्राइस एक्शन दिखते हैं मार्केट के फॉल होने के, यानी कि बियरिश पैटर्न या फिर कुछ सिनेरियो दिखता है, तो अपन यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग अपन इसके ऊपर ही प्लान करेंगे ढंग की, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक अपन बड़ी बाइंग प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट कल के दिन कंसोलिडेट हो जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद अपन बाइंग का प्लान करेंगे, तब तक अपन बाइंग का प्लान बड़ा बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है और रेड कैंडल मिलती है अपन को, बड़ी रेड कैंडल, तो अपन वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन को एक सप्लाई भी मिल रही है, रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा मूविंग एवरेज का। और अगर अपन 60 मिनट में चेक करें तब 60 मिनट का भी ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो होपफुली हमें टारगेट मिल सकते हैं। इस रेंज के आसपास से अगर कहीं मार्केट बियरिशनेस या फिर कोई चार्ट पैटर्न बनाता है फॉलिंग का, तो अपन को यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप होल्ड भी कर सकते हो। और गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक कर दे तो वेट करना है मार्केट के सस्टेन होने का, यानी कि अपन पुल बैक पे एंट्री लेंगे। जब मार्केट वापस इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तब अपन एंट्री लेंगे। तो ये है हमारे पास कल के लिए ट्रेडिंग प्लान, कि कल अगर बाजार ऐसा कुछ मूव करता है तब अपन ऐसा कुछ ट्रेड करेंगे, मतलब इस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा एनालिसिस हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। निफ्टी का नेक्स्ट डे का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो हम रेगुलर इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने और भी ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपन को ऑडियंस बढ़ेगी अपनी, उतनी ज़्यादा मैं नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे के एनालिसिस के साथ।